इस वीडियो में हम प्रीति सप्रू के बड़े भाई तेज सप्रू की जीवनी पेश करने वाले हैं। तेज सप्रू का जन्म 5 अप्रैल 1955 में मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी डीके सप्रू से आप लोग परिचित हो ही, पर उनकी माताजी हेमावती के बारे में कोई नहीं जानता। वह 30 और 40 के दशक की अभिनेत्री थीं। उन्होंने 40 के दशक में चरित्र भूमिका निभाई थी। मशहूर अभिनेता जीवन भी सप्रू परिवार के रिश्तेदार थे। तेज सप्रू को प्रीति और रीमा के अलावा दो छोटे भाई आर्यमन और विशाल भी हैं। बांद्रा के एक बड़े से बंगलों में वे सब रहते थे। पर एक दिन डीके सप्रू ने एक फिल्म का निर्माण करने के लिए किसी से पैसे उधार लिए। दुर्भाग्य से वह फिल्म बंद हो गई और डीके सप्रू को अपना बंगला बेचना पड़ा। उसके बाद डीके सप्रू अपने परिवार को लेकर जुहू आ गए। तेज सप्रू कहते हैं कि उन्होंने बचपन में डीके सप्रू को अच्छी तरह समझा था। वे एक शांत स्वभाव के इंसान थे। उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, पर वे बड़े प्यारे इंसान थे। 1963 और 1964 के साल में डीके सप्रू शहीद नामक फिल्म कर रहे थे, जिसमें वे हुतात्मा भगत सिंह के पिताजी का रोल कर रहे थे। मनोज कुमार मुख्य किरदार में थे और उन्हें भगत सिंह के छोटे भाई की जरूरत पड़ी। डीके सप्रू ने अपने बेटे तेज से वह किरदार करवाया और इस तरह से तेज सप्रू की पहली फिल्म 1965 में रिलीज हुई, जिसमें उनके दो शॉट थे। डीके सप्रू अपने सारे बच्चों को एक्टर बनाना चाहते थे, पर तेज सप्रू का रुझान खेल की तरफ था। बतौर बैडमिंटन खिलाड़ी वे स्टेट लेवल तक पहुंचे थे। इसके अलावा वे क्रिकेट भी खेलते थे। उस वक्त के बॉम्बे टीम के लिए उन्होंने कुछ मैच खेले थे। खेल के साथ तेज अपने कजिन भाई किरण कुमार के साथ शूटिंग सेट पर भी जाते थे, पर डीके सप्रू नहीं चाहते थे कि उनका बेटा स्पोर्ट्समैन बने। तेज सप्रू भी खुद्दार किस्म के इंसान थे। उन्होंने यूनियन बैंक में नौकरी करना शुरू किया। वे सुबह कॉलेज जाते थे और दोपहर को बैंक जाते थे। उन्होंने अपने पिताजी का संघर्ष देखा था। वह बड़ा बंगला भी देखा था, जिसका हॉल उनके उस वक्त के घर से दुगना बड़ा था। पिता डीके सप्रू किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करते थे। इस वजह से तेज सप्रू कभी भी अपने पिता से पैसे नहीं मांगते थे। उन्हें यह तो पता नहीं था कि वे अपने जीवन में क्या करेंगे, पर उन्हें अपने पिता के लिए खुद को बनाना था। तेज सप्रू का फिल्मी जीवन शुरू होने के पीछे उनके जीजा राकेश नाथ का बड़ा योगदान था। एक दिन राकेश उनसे मिलने आए और बोले कि कोई तो रविकांत नगाइच नामक डायरेक्टर है, मिथुन दा और रंजीता के साथ बड़ी फिल्म बना रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियन लुक वाला एक कलाकार चाहिए। राकेश ने 3 से उनसे मिलकर आने को कहा। उस दिन वे दोनों रविकांत से मिलने गए, पर तेज ने अपना सरनेम किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें काम नहीं मिला तो डीके सप्रू का नाम भी खराब हो जाएगा। डायरेक्टर रविकांत ने तेज को देखा और पहला सवाल किया, एक्टिंग के बारे में क्या जानते हो? तेज ने ना बोल दिया। उन्होंने अगला सवाल किया, एक्शन कर सकते हो? तब तेज ने कहा कि वह मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। रविकांत ने कुछ सेकंड के लिए तेज के चेहरे की तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हें साइन कर लिया है, कल आ जाना कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए। तो इस तरह से तेज सप्रू को सुरक्षा फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। आज उल्टा हो गया, सब कुछ था, ये मौका मुझे मेरी तकदीर ने दिया है। तुम्हारी नशीली आंखें, ये गुलाबी होंठ और ये संगमरमर जैसा बदन। इंस्पेक्टर विजय काठर रोड पर दरिया महल के पीछे नकली शराब बनाने की भट्टी लगी है। जिम्मा मैं उठाने के लिए तैयार होना नहीं, सिर्फ मैं आपका पुराना कर्जा वापस कर दूंगा, बल्कि जिंदगी भर के लिए आपके खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगा। यह वारंट मैंने नहीं, ऊपर वाले साहब ने इश्यू किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कानून के खिलाफ जाने की कोई कोशिश नहीं करोगे। शायद इस कारण से भी फिल्मकारों ने उन्हें खलनायक बनने दिया होगा। पर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे भी कलाकार थे जिनका फेस नायक बनने लायक नहीं था, पर बतौर नायक उनकी फिल्में बहुत चली थीं। ऐसे में तेज सप्रू के पास अच्छी शक्ल थी और आवाज भी अच्छी थी। उन्हें हमेशा नायक वाले किरदार निभाने चाहिए थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर कहते हैं ना कि भगवान जितना झोली में डालता है उतने में ही इंसान को संतुष्ट होना चाहिए। तेज सप्रू हो या उनकी बड़ी बहन प्रीति सप्रू, संतुष्ट लोग हैं। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि वे कभी हिंदी सिनेमा में लीड एक्टर बन नहीं पाए।
पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रीति सप्रू पंजाब की सुपरस्टार अभिनेत्री थीं और तेज सप्रू ने भी लगभग 13 भाषाओं में काम करते हुए 300 से भी अधिक फिल्में की। तेज सप्रू बताते हैं कि उन्हें एक्टिंग कभी सीखी नहीं थी, वे तो बस पिताजी के साथ सेट पर जाते थे क्योंकि उन्हें एक्शन सीक्वेंस करना पसंद था, इसलिए वे 300 से भी अधिक फिल्में कर पाए। एक एक्टर के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और हो नहीं सकता। तेज सप्रू के पारिवारिक माहौल को देखा जाए तो पता चलेगा, उन्होंने रेखा की सौतेली बहन धनलक्ष्मी से शादी की थी, जिनसे उन्हें आकांक्षा नाम की बेटी हुई। आज के दौर में भी तेज सप्रू अपने पिता की तरह उतने ही जोश के साथ काम कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।